देखिए हरे 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 देखिए एक बिल्कुल साफ सुथरा कट पीस लाया था उसमें मैंने पूछा है कि कैसा बन गया वो मतवाला मैंने लाइन कही ऐसा मैंने बात मैंने लाइन कही बिना पूछ वाला वो हनुमान खाली बिना पूछ वाला हनुमान वो कह रही है आदि पूछ वाला हनुमान है सबसे जवाबी चल रहा है अब तक लाइने समझ में नहीं आ रही है अभी क्या बात है यही बात है लेकिन लाइन मैंने कही आपने उधर दिखा दिया कि भगवान राम ने बचपन में ही ये वरदान मांग लिए थे ये पर मांग लिया था कि कैसे देखिए मैंने कहा आप दिखा रहे हैं कि स्वयं बच्चापन में ही भगवान राम ने कह दिया राम ने नहीं स्वयं कह गई ने मांगा और ये महाराशीर्वाद छोटे से भाई की कर्कमों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है आइए अभी आप बहुत बड़ी बात कर रही थी राखी क्योंकि एक तकबीस गाया है उसमें सब कुछ बंदी दिखा दिया सब कुछ बंदी दिखा दिया लेकिन आइए जवाब घर से कैसा होता है क्योंकि गीत बजा कि मेरा नाम है चमेली
राखी भी ध्यान देना, जिस समय आपने लगाया है बंदी के में ताल दिया है बना कंस ने बंदी, बंदी निकल न पाए करवा दी है फाटक बंदी, तू करवा दी बंदी लेकिन एक सत्यता बताऊंगा और ये हमारे सम्मानित केएस चैनल जी संजय भाई फिरोजाबाद की तरफ से ये केवल स्वयं पीतम्बर डालकर स्वागत किया है, हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है, इन्हीं के चैनल से आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचते हैं। लेकिन एक बात लाई है के बंदी तोड़ी नाम की बंदी पाबंदी दिखा दी के वहां सीमा हर पाबंदी, तो बंदी निकल बंदी से रोता रातों रात में नाकाबंदी कौन कौन सी बंदी लगा दी। अब ये बात कंस ने कहा, अगर जब कंस ने इस बात को कहा तो मंत्री के पास जब कंस गया कि मंत्री ये क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या बोला मंत्री, तो अब मंत्री कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब सुनिए राखी जी, अरे मंत्री बोला ना कोई है मेरी रजा बंदी, आपने क्या कहा था, आप नाकाबंदी कर रही है, मंत्री कह रहा है कि इसमें मेरी कोई सलाह नहीं है, क्यों मंत्री बोला ना कोई है मेरी रजा बंदी, बंदी ग्रह से कैसे भजा देखो भजा बंदी, अरे सब बंदी लगा हुआ है फिर भी बंदी ग्रह से कैसे भला देखो भजा बंदी, क्यों अरे बंदी के ऊपर मंत्री ने राखी नजर बंदी, लेकिन क्यों क्यों बंदी बंदी जनना देखा ऐसा वो बंदी, क्यों अरे बंदी ग्रह में एकता बंदी, अब यहां समझने की बात है, अब मैं दिखा रहा हूं, अरे बंदी बंदी बोले भागा पर रह गई एक बंदी, बंदा नहीं बंदी एक रह गई। अब देखिए यहां बंदी बंदी बोले भाजा पर रह गई तो बंदी, अब हाँ बोली बंदी बंदी बोले भाजा पर रह गई एक बंदी, बंदी ग्रह में एक था बंदी, सुन लेना राखी जी जवाब, बंदी ग्रह में एक था बंदी, लेकिन समझने की बात है कांगे अनुपम खैर बहुत चैलेंज कर रही थी मंच से, जवाब सुनिए इधर से तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, क्यों देखिए कि बंदी ग्रह में एक था बंदी, देख कद्दू पे कहां रही पाबंदी, कैसे निकल गए उस पाबंदी से ये, अरे दो पे कहां रही पाबंदी, क्यों के बंदी ग्रह में एक था बंदी।
बंदी बंदी को लगी ना ये तेर जात में। क्या बात है, बिल्कुल देर नहीं लगी, यही नहीं मालूम पड़ा कितने खन खेल खड़ा फूट। क्या बात है, फूल खेल गए। बंदी बंदी को लगी ना तेरे जात में, ओ बंदी बंदी को लगी ना तेरे जात में, ओ बंदी बंदी को लगी ना तेरे जात में। पहुंचे बंदी को पल, अब देखिए यहाँ भी क्यों बंदी बंदी को लगी ना तेरे जात में। और तब पहुंचे बंदी को पल दोनों रात और रात में। क्या बात है, जो जो क्या बात है, पहुंचे गोकुल बंदी दोनों वो रात रात में। ये बंदी है, ऐसे जवाब होता है इनकी तरह जवाब नहीं। ये हम तो पूछ रहे हैं कि एक आंख में हनुमान जी के श्री है और दूसरे में राम है, तो वो कह रही है जवाब में लेकर के कि हनुमान जी सीता जी सुध लेने जा रहे हैं। हाँ, ये जवाब है तुम्हारे आसपास, ये जवाब है। आइए एक गीत और गाया और गीत सुनिए क्या गाया इन्होंने। और ये सम्मानी द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना करते हुए हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। गीत भैया रंगों की बरखा है, रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है यहाँ दिन है कि रात है। क्यों अब लाइन यहाँ भी बिल्कुल गलत है, पूरा गीत ही इन्होंने गलत कर दिया। अब प्रजा कह रही है भगवान राम से, क्या कह रही है इनके गीत में प्रजा भगवान राम से कह रही है, अब देखिए क्या कह रही है। आया शरण में माना रावण का भाई है, अपना के प्रभु ने अपनी नम्रता दिखाई है। यही बात थी, अब देखना यहाँ पे रावण भी शरणागत है, अगर रघुराई है प्रण हो ये पूरा तो समस्या गहराई है। अब यहाँ कह रहे क्यों, अरे आया रावण को भी, अरे आया रावण को भी अगर आप लोगे तो प्रभु जी बोलो क्या होगा, अगर स्वयं अपनाओगे तो प्रभु जी बोलो क्या होगा। और जब विभीषण को, जब विभीषण को लंकेश बनाओगे तो बोलो प्रभु जी क्या होगा, अरे तो बोलो प्रभु क्या होगा, अरे तो बोलो प्रभु क्या होगा। अब आपने कहा कि ये प्रजा कह रही है, तो भगवान राम कह रहे हैं कि जिस समय रावण को राजा बना दे तो क्या होगा। पहली बात तो ये है कि रावण खत्म पहले ही हो गया है, अब राजा कहां से बनना है। रावण स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से मारा तो फिर राजा कहां से बनना है। रावण पहली बात तो ये, राखी जी ध्यान देना। तब भगवान राम कह रहे प्रजा से कि सुनिए तुम्हें मालूम नहीं है, सब कुछ मैं जानिए जान पहचाना है।
समझ के मैंने पहले ही आएगा रावण कहां से पहले मार डाला है सब कुछ जान मैंने पहना दी माला है। तो आप कह रही है कि रावण को राजा रावण को तो मार ही दिया कोई बात नहीं भगवान राम कह रहे प्रजा से घट घट का व्यापक हूँ मैं सब देखा भाला है शरण में विभीषण आया भाऊ बन लाला है। अरे यही एक भाव बन के आया तब कहा किसी को राजा रंग अगर मैं ये करूंगा किसी को राजा रंग बनाऊ तो बोलो ये मेरा फिर क्या होगा। किसी को राजा से रंग बनाऊ तो मेरा फिर क्या होगा। और अरे कर रंग को मैं राजा बनाऊ तो मेरा फिर क्या होगा तो मेरा फिर क्या होगा। कुछ बोला जा अरे रंग बनाऊ तो मेरा क्या होगा तो मेरा क्या होगा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे बोलिए पेतराज सरकार की।